हेलो गाइस यू आर वाचिंग कंप्यूटर साइंस नॉलेज इससे पहले की वीडियो में हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सभी कॉन्सेप्ट्स को देखा था और अब हम इस वीडियो में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके बारे में देखेंगे सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज

विच इज़ जर्नली यूज टू मेक एप्लीकेशन्स बेसिकली दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वॉज यूज टू डेवलप यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अगेन बिकॉज आलिया यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज डेवलपड इन बी लैंग्वेज मीन्स कि सी लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज़ करके बहुत सारी एप्लीकेशन्स बन सकती हैं इसे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को दोबारा लिखने के लिए डेवलप किया गया था क्योंकि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बी लैंग्वेज में लिखा गया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ज़्यादातर प्रोग्राम्स बी लैंग्वेज में लिखे लिखे गए थे नाउ बी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय केन थॉम्सन इन 1970 इन बेल लेबोरेटरी बट बी लैंग्वेज वाज नॉट सो पॉपुलर लैंग्वेज सो डेनिस रिची डेवलप सी लैंग्वेज अब क्या हुआ बी लैंग्वेज को केन थॉमसन के द्वारा 1970 में बेल लेबोरेटरीज में डेवलप की गई लेकिन बी लैंग्वेज जो थी वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई थी फिर सी लैंग्वेज जो कि डेनिस रिची ने 1972 में डेवलप किया और सी लैंग्वेज को बेल लेबोरेटरी में ही डेवलप किया गया था नाउ नेक्स्ट सी लैंग्वेज इज अ सिंपल लैंग्वेज विच इज़ जनरली यूज्ड टू राइट अ प्रोग्राम एंड कोड इन मैथमेटिक वे और फॉर्मेट सी लैंग्वेज एक सिंपल लैंग्वेज है सी लैंग्वेज के द्वारा ज्यादातर मैथमेटिकल प्रोग्राम लिखे जाते हैं और सी लैंग्वेज को पॉपुलर होने में ज्यादा टाइम नहीं लगा था नेक्स्ट सी लैंग्वेज इज़ ऑल्सो नोन एज मदर लैंग्वेज बिकॉज मैनी अदर लैंग्वेज लाइक जावा पी एच पी सी प्लस प्लस एक्सेट्रा आर डेवलप्ड यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सी लैंग्वेज अब सी लैंग्वेज को मदर लैंग्वेज भी कहा जाता है क्योंकि सी लैंग्वेज के बाद जो भी और लैंग्वेजस आई जैसे कि जावा पी एच पी सी प्लस प्लस एक्सेट्रा इन सभी लैंग्वेजेस में सी लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को लिया गया इसीलिए सी लैंग्वेज को मदर लैंग्वेज भी कहा जाता है नाउ सिंटेक्स ऑफ़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंटेक्स ऑफ़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब जैसे कि जिस तरह मैथ्स में डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज होते हैं उसी तरह सभी डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डिफरेंट डिफरेंट सिंटेक्स होते हैं तो यह सिंटेक्स सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का है सबसे पहले हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच नेक्स्ट इंक्लूड कोनियो डॉट एच देन वाइड मेन देन कली ब्रसेज ओपन देन स्टेटमेंट प्रिंट एफ इज यूज फॉर आउटपुट एंड स्कैन एफ इज़ यूज फॉर इनपुट एंड देन कली ब्रसिस क्लोज सो so, यहाँ पर जो है साइन है वह यहाँ एक या प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है स्टूडियो एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है और इसी के अंदर सारे प्री डिफाइंड फंक्शन सी लैंग्वेज के अवेलेबल होते हैं सी लैंग्वेज के जिसका यूज़ कर हम अपने प्रोग्राम में करते हैं और जिसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट इसका एक्सटेंशन डॉट एच दिया गया है मीन्स ये एक हेडर फाइल है उसी प्रकार कोनियो डॉट एच है जो कि वो भी एक हेडर फाइल है क्योंकि उसका भी एक्सटेंशन डॉट एच है और इसका फुल फॉर्म कंसोल इनपुट आउटपुट होता है इसे इस हेडर फाइल को हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के साथ लिंक करना होता है इसीलिए हम एक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं जिसको हम इंक्लूड कहते हैं मींस इस प्री डिफाइंड डायरेक्टिव प्री प्रोसेसर प्री डिफाइंड डायरेक्टिव को हमें इस स्टूडियो डॉट एच के साथ जो कि एक हेडर फाइल है उसके साथ लिंक करना होता है और इसके लिए हम इंक्लूड का यूज़ करते हैं नाउ देन मेन मेन एक फंक्शन है सी लैंग्वेज में जिसका डेटा टाइप वॉइड है जो कि एक नॉन रिटर्न डेटा टाइप है जो कि कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता देन ब्रेसेस ओपन या स्टार्टिंग जो प्रोग्राम की स्टार्टिंग होते हैं जिसके अंदर हम इनपुट देते हैं और आउटपुट हमें मिलता है इनपुट के लिए हम स्कैनफ का यूज़ करते हैं जो कि एक फ़ंक्शन है और आउटपुट के लिए हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं और लास्ट में प्रोग्राम को क्लोज़ करने के लिए कली ब्रेसेस क्लोज का यूज़ करते हैं नाउ एडवांटेजेस ऑफ सी लैंग्वेज फर्स्ट सी लैंग्वेज इज़ अ सिंपल एंड इजी लैंग्वेज विच कैन बी यूज़

मीन्स सी लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है और सी लैंग्वेज में हम फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने कोड या प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज या फिर मैनेज भी आसानी से कर सकते हैं इन सी लैंग्वेज देयर आर थर्टी टू रिज़र्व की वर्ड मीन्स सी लैंग्वेज में थर्टी टू रिज़र्व की होते हैं जिनके सबके अपने अलग अलग मीनिंग होती हैं नेक्स्ट सी इज़ अ मिडिल लेवल लैंग्वेज विच इज़ कैपेबल ऑफ़ डेवलपिंग हाई लेवल एंड लो लेवल एप्लीकेशन सक्सेसफुली मीन्स सी एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है जो हाई लेवल और लो लेवल की एप्लीकेशन को सक्सेसफुली क्रिएट करती हैं इन्हें मिडिल लेवल लैंग्वेज किस लिए कहा जाता है इन्हें मिडिल लेवल लैंग्वेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के फीचर्स को मिला कर बनाए जाते हैं इसी लिए इनको मिडिल लेवल लैंग्वेज कहा जाता है नाउ डिसएडवांटेजेस सी लैंग्वेज़ सी लैंग्वेजेस। इज़ वेरी पावरफुल लैंग्वेज बट इट इज़ ऑल्सो हेज़ मैनी डिसएडवांटेजेस एंड लिमिटेशन विच आर आज फॉलोज जैसे सभी लैंग्वेजेस के अपने कुछ एडवांटेजेस होते हैं डिसएडवांटेजेस होते हैं उसी तरह सी लैंग्वेज के एडवांटेजेस भी हैं और इनके कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो कि हमने यहाँ हमें यहाँ देखेंगे तो फर्स्ट इन सी लैंग्वेज देर इज नो चेकिंग डूरिंग रन टाइम मीन्स सी लैंग्वेज में रन टाइम चेकिंग नहीं होती देन सेकेंड सी लैंग्वेज इज नॉट कैपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ वेरिएबल मीन्स सी लैंग्वेज किसी भी टाइप के वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर नहीं सकता नेक्स्ट इन सी लैंग्वेज एक्सेप्शन और एरर्स के नॉट बी हैंडल्ड डूरिंग रन टाइम मीन्स में जितने भी एरर्स आते हैं या एक्सेप्शंस होती हैं उन्हें हम रन टाइम में चेकआउट नहीं कर सकते देन सी लैंग्वेज डज नॉट सपोर्ट रि जो रीयूजिबिलिटी रहती है मीन्स इनहेरिटेंस होती है जो सी लैंग्वेज की वो सी लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करता नेक्स्ट सी लैंग्वेज डज नॉट सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक क्लासेस ऑब्जेक्ट इंटरफेसेस एक्सेट्रा तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट नहीं करता है जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या क्या इंक्लूड है क्लाजेक्ट और इंटरफेसेस इसके बारे में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फेसिस इसके बारे में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आने वाले वीडियो में देखेंगे जिसे हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं यूजेस ऑफ सी लैंग्वेजेस बेसिकली सी लैंग्वेज इज यूज टू डेवलप सिस्टम एप्लीकेशन एंड नेटवर्क ड्राइवर्स हेयर आर सम मोर एग्जाम्पल और सिस्टम विच आर डेवलप्ड यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सी जैसे कि हमें हम पता है क्लिकेशन्स को और नेटवर्क ड्राइवर को बनाने में भी यूज़ किया जाता है इसी तरह और भी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और भी सारे लैंग्वेजेस हैं और भी सारे सिस्टम्स हैं जिनका यूज़ हम सी लैंग्वेज में जिसका यूज़ हम सी लैंग्वेज में करते हैं जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंपाइलर्स असम्बलर्स टेक्स्ट एडिटर नेटवर्क ड्राइवर डेटाबेसेस बेसिस एंड लैंग्वेज इंटरप्रिटर्स सो ये सब भी सी लैंग्वेज के यूजर्स हैं नाव थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम